कहते हैं किसी काम को कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। इस कहावत को उत्तर प्रदेश की पहली निर्विरोध महिला सांसद डिंपल यादव ने सच करके दिखा दिया है। आज डिंपल कम वक्त में ही सबके दिलों में राज करने लगी है। किसने सोचा था साधारण सी दिखने वाली डिंपल आज महिलाओं की आवाज बनके उभरेंगी। बताया जाता है कि राज्य पोषण मिशन योजना की रूपरेखा तैयार करवाने में डिंपल ने काफी सक्रियता दिखाई है और खुद महिला बाल विकास से जुड़े अधिकारियों पर नजर रखे हुए हैं। डिंपल अपने पति अखिलेश यादव के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आती हैं और महिलाओं के मुद्दों पर जोर दे रही हैं। महिलाओं पर ध्यान दिया है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि डायरेक्ट हम महिलाओं को लाभ दे पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, डिंपल यादव महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं पर मुख्यमंत्री की प्रमुख सलाहकार भी हैं। साथ ही इस समय वो प्रदेश सरकार की महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का अनौपचारिक चेहरा भी बनती जा रही हैं। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई। अगस्त साल 2014 में डिंपल यादव ने लोकसभा में इस विषय पर 10 मिनट का भाषण दिया था। संसद में ये उनका पहला भाषण था जो काफी चर्चित रहा। आपको बता दें, डिंपल यादव पहली ऐसी महिला सांसद है जो यूपी से निर्विरोध चुनी गई। डिंपल यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2012 में की और अब वो पूरी लगन के साथ महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही हैं।